₹60 की चाय है यहाँ कलाम में, और कोई ज्यादा उन्होंने रेट्स हाई नहीं किए हुए। तो बिल्ले, जो डेली व्लॉग है ना, अब मैं सोच रहा हूँ डेली आपके साथ शेयर करूँ, और खूबसूरत जगह आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर करूँ। शेर खान भाई मिले, उन्होंने कहा है कि जी होटल है वहाँ पे, आप जाके मेरा नाम बता दें और बगैर पैसों के आज रात रह ले उधर, कोई मसला ही नहीं है। ये है जी स्वाद कलाम बॉयडन भाई जी, यहाँ ये होती है हॉस्पिटैलिटी। शहरी खर्चा नहीं है ना यार, बजट नहीं है ना, ये देखो मैं बगैर बजट के कैसे फिर रहा हूँ। मोहेडन लेक तक जो रोड है वो भी ठीक है, बाइक आराम सुकून से जा सकता है। भाईजान कहाँ से आ रहे हैं? वेरी गुड, पेशावर से आए। ये देखो जी, दुनिया भर से यानी पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, सिर्फ पेशावर, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर से। ये यार दोस्त आ गए सारे। वेलकम टू कलाम पेशावर, आई गो टू पेशावर से, मैं इस्लामाबाद से कलाम। यार मैं हम यार अकेले पेशावर से। अच्छा, आप बिल्कुल अकेले हैं? मैं बिल्कुल अकेला यार, मैंने जिससे भी पूछा है वो कहते यार ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। अच्छा, यार किसी का बजट नहीं था तो बस मैंने कहा चलो मैं निकलता हूँ, मेरे पास बजट भी है और छुट्टियाँ भी है, नहीं मतलब मैं काम नहीं करता। आप बोल रहे क्या किया यार तक का? कितने दिन छुट्टी है? तीन दिन। ये देखो बिल्ले, बिल्ले 3 दिन की छुट्टी पे आ गए और आपको 2 दिन छुट्टी मिलती है फिर भी आप नहीं आते हो। जब आप कलाम से मोहेडन आते स्टेशन भी आपको नजर आते हैं जी मेरे पीछे, खूबसूरत नजारे हर जगह। और अगर आप बाइक पर आते हैं तो यकीन करें जिधर आपका दिल करता है रुक जाए, देखिए हर एक नजारा आप कैप्चर जरूर करें। तो ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर से आगे वाटरफॉल आएगा, इसके बाद वाटरफॉल आएगा, वाटरफॉल के बाद बड़ा मॉडर्न आएगा। मॉडर्न एयर कौन जो मशरा खबर ना दमुंगा मरकर इस्लामाबाद न रहा हूँ चरा मिलो सो बना रहा दम क्या वो सो जब शक होना चाहिए तो सफर दे डाले इंशाल्लाह मौदन तक मौदन के बम्बे रखे थे वीडियो का नहीं लो ताकि कौन भाई इंशाल्लाह एंजॉय का वो चक्कर ना वा कभी ना मासे वाले किली की कर के पे खबर ए अल्लाह का मुन अल्लाह ला अल्लाह मुन अल्लाह ला अल्लाह मुन अल्लाह आम जो है वो गुलाब के चक्कर में आम भाई के आम जो है ना वो बह गए पानी में। तो बिल्ला जी ये माहौल होता है भाई जब आप घूम फिर के आते हैं और आप कहते हैं ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती। भाई ये देखे आम दोबारा ले आए, मिल गए। चलो जी आम खाते हैं अब, बड़ा मजा है जी आज का ब्लॉग, इंजॉय करोगे डेली, जिधर जाऊंगा आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो और खूबसूरत लोकेशंस पे, बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे। अभी आगे और खूबसूरत जगह आनी है, पूरा दिन जो जो एक्टिविटी होंगी इस व्लॉग में शेयर करूंगा आपके साथ। बिल्ला जी अगर दफ्तर से छुट्टी मिलती ना तो ये नज़ारे बड़े ज़बरदस्त नज़ारे हैं, ये पैसों के भी नहीं मिलते। बिल्ला जी देख लो भाई, और ये अफसाद ये जब आप मोहेडन की तरफ आते हैं कलाम से तो तकरीबन कलाम से मेरा ख्याल है कि कोई 20 से 22 किलोमीटर के फासले पे आता है। रोड बाइक के लिए बिल्कुल बेहतरीन है, कोई इशू नहीं है, हाँ थोड़ा ऊंचा ऊपर नीचे है। तो चलें जी अफसाद, और ये आगे पीछे खूबसूरत नज़ारे आसमान। ओ बिल्ला जी चेक करो जी क्या ही खूबसूरत नजारे हैं। वाटरफॉल से हम जा रहे हैं आगे मोहेडन लेक, वहाँ का जो रास्ता है वो तकरीबन कच्चा रास्ता है, पथरीला रास्ता है,
बाइक के लिए इजी तो है, लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो बेस्ट है, और अगर आप डबल हैं तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि सिंगल बंदा हो बाइक को। और बाइक का कोई इशू नहीं है, 125 होंडा 70 और दूसरे आम बाइक सारे आ जा सकते हैं, तो इसकी टेंशन नहीं है। स्वात कलाम, कलाम के बाद जब आप जाते हैं मोहेटन लेक, तो तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर का सफ़र है। ये 30 से 35 किलोमीटर का सफ़र आप बाइक पे कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल टूर नहीं है, कोई इतना मुश्किल रोड नहीं है। तो यहाँ पर मैं इस वक्त पहुँच गया हूँ मोहेटन लेक। टाइम हुआ है खाना पीना बनाने का, तो कारी साहब बताएं क्या बना रहे हैं? अभी मैं चिकन बना रहा हूँ। अच्छा, हाँ, इंशाल्लाह रात को फिर भैया पर चावल खाऊंगा। आए हाय हाय हाय, अभी चिकन चावल रात को, अभी चिकन, अंदाजा लगाओ। पिल्ला जी किधर फंसे हुए हो यार? शहरी कहते हैं मेरे पास यार बजट नहीं है इस दफा। यार कितना बजट लग रहा है, देखो कैंप हमारा अपना लगना है और खाना पीना अपना, चाय चाय। आप सुनाए कारी साहब। मैं कुछ नहीं सुना सकता भाई, कुछ मैं तो इतना इम्प्रेस हो गया हूँ यार, कुछ कुछ कहने के लायक ही नहीं। अभी एक और झील भी है, सैफुल्ला जी जरूर, तो अभी उधर भी जाएंगे। आरी साहब अभी वो व्हीलिंग करेंगे घोड़े पर। इधर देखो भाई, जी जी, वो देखो। खाना खा रहे हैं जी, चिकन बन गया, मैंने तो तकरीबन खा लिया, फिर कैमरा उठाया। आरी साहब लोग खाना खा रहे हैं। आपने बनाया था, अच्छा खाना बनाया था, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। कैसा है खाना? इसके हाथ में ना ये बहुत ज्यादा जादू, मैं ना अच्छा खाना आया था, बहुत मजे का खाना था। आरी साहब आप बताएं। जी बिल्कुल मजे का। टेंट मेरा जी जगह जगह से टूट रहा है, जिसने दिया था उसको मैं जाके बताऊंगा कि भाई ये कैसा टेंट दिया है, तो अभी मैं टेंट सेट कर रहा हूँ। अब चाय बन रही है, वेरी गुड। चाय का सिस्टम, चूंकि हवा तेज चल रही है तो चाय का सिस्टम जो है वो बड़ा जबरदस्त रखा हुआ है, ताकि हवा से वो दूर रहे चाय और चाय बन जाए। तो चाय का मजा ही कुछ और है भाई जान, ठंडा मौसम है इसलिए, मौसम ठंडा है। और आपने अभी तक कुछ पहना क्यों नहीं है? कुछ पहन लो, हवा बहुत तेज है। आपने क्यों नहीं पहना, सिर्फ मास्क पहना हुआ है? चादर अभी अच्छा, मेरी खुशकिस्मती ये है कि ये सब ये हाफिज है, ये भी हाफिज है, इसका दोस्त, ये हमारा दोस्त है, और ये भी हाफिज है, नहीं हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त है सिर्फ, चले ठीक है, और ये भी हाफिज साहब आ गए, ठीक है। तो ये सारे जो है ना माशाल्लाह मदरसे के तालिब इल्म हैं और इंजॉयमेंट करने आए हैं। तो ये देखो मदरसे के तालिब इल्म आते हैं और नौकरियों वाले लोग नहीं आ सकते क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती है ना, छुट्टी नहीं मिलती है। हाँ, कैंप लग गया जी, और ये कैंप के अंदरूनी मनाजिर हैं, और मैं आपको अब कैंप के बिरूनी मनाजिर दिखाता हूँ। ये देखिए जी क्या खूबसूरत, और वो देखो पहाड़ की व्यू। ये कैंप लग गया जी, और कैंप के अंदर बाहर काफ़ी गर्म हवा और ठंडी हवा चल रही है, तो अंदर जो है वो थोड़ा सा सुकून है। जैकेट शैकेट मैंने पहनी हुई है। रात को जी कैंप में हम लूडो खेल रहे हैं जी, ये देखें। बिल्ला जी मिस कर गए आप, शहरी बजट नहीं है, बजट हमारे पास भी नहीं है भाई, ये देखो एंजॉय कर रहे हैं भाई। रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं, अभी हम चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने के बाद फिर हम खाना बनाएंगे, 1-2 बज जाएंगे हमें उसमें भी। तो मेरे साथ जो गेस्ट हैं, जो कि जिनका मैं मेहमान हूँ, सॉरी यार, क्योंकि इन्होंने मुझे जो है अपनी टीम में शामिल कर दिया कि भाई तुम तो अकेले हो तो आओ हमारे साथ इंजॉय करो। ये हैं कारी साहब। कारी साहब चाय बन रही है? बस 15 मिनट की, 15 मिनट में बन जाएगी चाय जनाब।
कैसे हैं आप? सर्दी तो नहीं लग रही हाँ कारी साहब, सर्दी तो नहीं लग रही? थोड़ा थोड़ा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। ये देखो ये भाई लोग सोए हुए और ये भाई लोग मोबाइल पे क्या, लाइट जरा नीचे करना। हाँ ये भाई भाई साहब देखें, सुना है सर्दी लग रही है? बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत ज्यादा सर्दी है। वो इस वजह से कि ये देखो आपका ये खिड़की खुली हुई है, इसको बंद करें पहले। नहीं मैं इसका कुक हूँ इन लोगों का। तो खाना कब बनाएंगे? लेकिन अभी सर्दी बहुत ज्यादा है, मैंने कहा कि आप सिर्फ 6 बनाओ फिर मैं बाद में आपको खाना बनाऊंगा। ठीक हो गया, रात के 3 बजे फिर खाना। तो रात के 3 बजे खाना खाएंगे हम, ठीक है। व्लॉग्स वाले को सब्सक्राइब कीजिए, ये सारे पूरी टीम आज व्लॉग्स वाले के व्लॉग्स वाले क्या बोलूं, व्लॉग्स वाला व्लॉग्स वाले हैं आज, ठीक है जी। चाय बड़े मजे की है, रात के 12 बजे चाय। और मोहिडंट पे लेक में चाय जो है इस वक्त हम एंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये हमारी आखिरी एक्टिविटी होगी, खाना जो है वो हम सुबह बनाएंगे, ऐसे ही खाना सुबह बनाएंगे क्योंकि अभी बहुत सर्दी है, कैंप से बाहर मुमकिन नहीं है। तो आज का ये व्लॉग रात के इस पहर में इख्तिताम करते हैं। इस व्लॉग से खुश रहें, आबाद रहें, जहां रहें सदा खुश रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।